स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन, और आज की इस वीडियो में हम रामबाण सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और ये तीसरी वीडियो है रामबाण सीरीज की। और अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रामबाण सीरीज में हम क्लास 12th की इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जब आप इसको देखोगे तो पोएटिक डिवाइस का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो पोयम के एक्सट्रैक्ट के अंदर आता है जो कि बहुत बच्चों को तंग करता है, वो आपका बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। मैं पोएटिक डिवाइस आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, फिर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है पोएटिक डिवाइस का एक्सट्रैक्ट बेस्ड वाला तो आप उसको कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस है वो है सिमले। सिमले पोएटिक डिवाइस की पहचान ये है कि इसके अंदर जो है कंपैरिजन किया जाता है। पोएटिक डिवाइस को हिंदी में अलंकार भी हम कहते हैं। तो इसमें तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। इसकी पहचान में क्या होता है कि लाइक और एज, कोई भी लाइन आपको पोयम की दिखेगी, अगर किसी लाइन के अंदर कोई लाइक या एज कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है तो समझ लो वहां पे कौन सा अलंकार है या कौन सा पोएटिक डिवाइस है। सिमले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि लाइक रूटलेस वीड्स। अब वो जो आपकी जो एलिमेंट्री स्लम क्लासरूम वाली पोयम है वहां से ये लाइन ली गई है कि लाइक रूटलेस वीड्स। अब आपको बोलते हैं एग्जाम में इसमें बताओ कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर सिमले है क्योंकि सिमले में कंपैरिजन किया जाता है और यहाँ पे लाइक और एस भी आ रहा है, तो ये लाइक रूटलेस वीड्स जो है ये इसका एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल मैंने लिखे हैं यहाँ पे कि लाइक कैटाकॉम्स, ठीक है, यहाँ भी लाइक आ रहा है। स्लम्स एज बिग एज डूम्स, ठीक है, एज यहाँ पे भी तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी सिमले है। और यहाँ पे माई मदर एट 66 से भी एक लाइन ली गई है कि पेल एज लेट विंटर्स मून, ठीक है, पेल एज, ठीक है, एज आ रहा है यहाँ पे भी। और हर फेस एशियन लाइक, ठीक है, लाइक आ रहा है। तो लाइक और एज ये दो चीजें होती हैं इसकी पहचान, कहीं भी दिख जाए पूरी पोयम में समझ जाना यहाँ पे सिमले पोएटिक डिवाइस है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है मेटाफर, ठीक है। मेटाफर ये पोएटिक डिवाइस जो होता है ये सिमले के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, लिटिल डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है कि वहां पे हम ये कह रहे थे कि हम किसी चीज की तुलना कर रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चांद सा मुखड़ा, ठीक है, चांद सा मुखड़ा यानी कि सा यानी कि जैसा। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं मेटाफर का तो चंदा है तू मेरा सूरज है तू, यानी कि आपने जिसको भी आप ये लाइन कह रहे हो, मान लो कोई माँ अपनी बेटे से कह रही है कि चंदा है तू, यानी कि चांद बना दिया अपने बेटे को, ये नहीं बोला कि चांद सा है तू। अगर वो बोलती चांद सा है तू तो वहां पे क्या होता, सिमले यानी कि कंपेयर कर रही थी। यहाँ पे माँ ने अपने बेटे को कह दिया कि चंदा है तू यानी कि मेरा चांद ही तू है, यानी कि क्या है इसमें मेटाफर है, मेरा सूरज है तू। यहाँ पे ये नहीं कहा कि सूरज जैसा है तू, अगर यहाँ लिखा होता सूरज जैसा है तू तो क्या होता सिमले, वहां पे मतलब लाइक और एज आ जाता, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा है कि मेरा सूरज है तू, तो यहाँ पे होगा मेटाफर यानी कि किसी सामने वाले को बिना तुलना किए हमने कुछ बना दिया। तू शेर है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप सभी मेरे शेर हो तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। स्वीट ड्रीम्स, ठीक है, यानी कि जो ड्रीम्स हैं उनको हमने स्वीट बना दिया यहाँ पे। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ठीक है, ये नहीं लिखा इसमें, मतलब ये आपने देखो कि लॉस्ट स्प्रिंग से ये लाइन है कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कि जो गार्बेज था वो उनके लिए गोल्ड था, ऐसा नहीं लिखा कि गोल्ड जैसा था। अगर लिखा होता कि गार्बेज टू देम इज लाइक गोल्ड तो वहां पे होता सिमले क्योंकि लाइक आ रहा था, यहाँ लिखा है गार्बेज टू देम इज गोल्ड यानी कि कोई तुलना की नहीं की गई है, सीधा सीधा बोल दिया कि ये जो कूड़ा था उनके लिए सोना है। समझ में आ गया, मेटाफोर में तुलना नहीं होती, जो चीज है उसको थोड़ा सा इसमें बस डिफरेंस होता है इसमें और सिमले में कि इसमें सीधा कह दिया जाता है, सिमले के अंदर उसको तुलना करके बताया जाता है। तीसरा जो है यहाँ पे पोएटिक डिवाइस वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो पहला कॉन्सोनेंट का जो साउंड होता है या जो पहला कॉन्सोनेंट होता है वो सेम होता है, यानी कि नोबल नेचर्स यहाँ पे क्या होगा, एन एन। कूलिंग कवर यानी कि सी सी। बैंड टू बाइंड बी बी, ठीक है, ऐसी पोएम्स की लाइंस में कहीं भी ये चीजें दिखती हैं तो समझ जाना एलिट्रेशन है। एक और आपको एग्जाम्पल दूं रोचक सा, तो वो ये है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई। सी 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 सी, क्या है ये, सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है, बहुत आसान है पहचानना इसको। चौथा जो पोएटिक डिवाइस है वो है हाइपरबोल, यानी कि ओवर स्टेटमेंट, बड़ा चढ़ा के कोई भी बात को कहना। जब कोई हम कहते हैं ना भाई लंबी लंबी छोड़ रहा है उसको हम कहते हैं हाइपरबोल, यानी कि ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, या आई कैन रन फास्टर देन द विंड, मैं हवा से भी तेज भाग सकता हूँ। क्या ये सच है,
ये एक तरीके से बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति जिसको हम हिंदी में कहते हैं, डैड विल किल मी व्हेन ही कम्स होम, ठीक है, मतलब पापा मुझे मार देंगे अगर वो घर पे आएंगे। तो क्या सच में पापा मार देंगे? ऐसा नहीं होगा, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा। क्या आप सच में पहाड़ तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते, ठीक है, मैं बिजली गिरा दूंगा। ये सारी चीजें ऐसी होती हैं बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली। कोई भी पोयम में ऐसी लाइन दिखती है जहां बढ़ा चढ़ा कर कोई बात कही गई है, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस, ठीक है। अगर इसको पहचानना है तो इसको यही एक तरीका है पहचानने का, कहीं भी बढ़ा चढ़ा कर कुछ लिख मतलब लिखा गया हो वो हाइपरबोल होगा। पांचवा पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन, यानी कि रिपीट सेम वर्ड्स। सेम वर्ड्स अगर बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि माई मदर एट 66 के अंदर से एक यहाँ पे वर्ड है, ऑल शी डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, सेम वर्ड है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिपीटेशन। ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक ब्रेक दो बार ही आ गया, फिर एक बार यहाँ पर ब्रेक आ गया, ये क्या है? रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स का नहीं है यहाँ पे। एलिट्रेशन और रिपीटेशन में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, रिपीटेशन के अंदर वर्ड्स रिपीट होते हैं, ठीक है। अब छठा जो है यहाँ पे पोएटिक डिवाइस वो है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि हम एनिमल्स का, बर्ड्स का, जो नेचर की चीजें होती हैं, अगर उसको हम ह्यूमन टर्म्स के अंदर यूज करते हैं, जो इंसानी शरीर होता है उसकी तरह, जैसे कि एग्जाम्पल द सन स्ट्रेच्ड इट्स गोल्डन आर्म्स, सूरज ने अपने हाथों को, सुनहरे हाथों को स्ट्रेच किया। क्या ऐसा होता है? क्या सूरज के हाथ होते हैं? नहीं होते, लेकिन हमने सूरज को ह्यूमन टर्म्स के अंदर देखा तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा। ट्रीज वर डांसिंग, पेड़ नाच रहे हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं होता, यहाँ पे हमने क्या किया? पर्सोनिफिकेशन कर दिया, ट्रीज को ह्यूमन टर्म्स में बता दिया, नाच रहे हैं, नाचता तो इंसान है। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, जो बिजली होती है वो आसमान में क्या कर रही है? डांस कर रही है। माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, अलार्म क्लॉक कैसे येल कर सकती है? तो ये पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स थे, और इसको हम इसी तरीके से देख सकते हैं कि नेचर की चीजों में जब हम इसको हम मानवीकरण अलंकार भी कहते हैं, नेचर की चीजों को जब हम ह्यूमन टर्म्स के अंदर, ठीक है, देखते हैं। सातवां जो पोएटिक डिवाइस है वो है इमेजरी। इसमें पोएट जो होता है वो ऐसी मेंटल पिक्चर तैयार कर देता है जो पोएट मतलब एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। पोएट इसमें मतलब अपनी बातों को बताता जाता है, बताता जाता है, और वो सारी चीजें क्या होती हैं हमारे दिमाग में इमेज की तरह चलती हैं। जैसे कि मैं पोएट हूं, मैं बताता हूँ कि मैं यात्रा करने गया, वहां पर मैंने समोसे खाए, समोसे काफी चटपटे थे, काफी टेस्टी थे, चटनी बहुत मीठी थी, ठीक है, और मैंने वहां पे लस्सी पी, लस्सी बहुत ठंडी थी। ये सब चीजें क्या है आपके दिमाग में एक इमेज बना रही होंगी कि लस्सी और ये समोसा चौमिन, ठीक है, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजों से जो पोएट होता है वो हमारे दिमाग में इमेज बना देता है। तो ये सब क्या होता है? इमेजरी पोएटिक डिवाइस होता है कि जहां पोएट हमारे दिमाग में कोई ना कोई इमेज बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पोएटिक डिवाइस पढ़ा दिए हैं जो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, और इनकी पहचान क्या होती है, और आपको समझ भी आ गए होंगे, ठीक है। इंग्लिश की बुक हमारी अवेलेबल है जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर से आप परचेज कर पाएंगे। और फिजिकल एजुकेशन की भी ई बुक अवेलेबल है, आप सेम प्रोसेस के साथ इसे भी जो है परचेज कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है, आपकी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।